तो दोस्तों कल की वीडियो में आप लोग का कमेंट आया था कि सूरज भाई हिंदी सॉन्ग की वीडियो लेकर के आओ। तो दोस्तों हम आप लोग को बताते गाइस कि इस टाइम पर कोई भी हिंदी सॉन्ग ट्रेंड नहीं कर रहा है। मैं पूरा इंस्टाग्राम खोज के थक गया लेकिन गाइस मुझे कोई भी ट्रेंडिंग हिंदी सॉन्ग नहीं देखने को मिला। दोस्तों अगर आप लोग के पास कोई सॉन्ग है हिंदी वाला तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए या फिर उसका लिंक हो तो शेयर कर दीजिए, मैं आपको उस वीडियो पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा सॉन्ग पर। दोस्तों फनी कुमार भाई लेकर के आ चुका है एक बार फिर से बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग डुअल सॉन्ग के ऊपर डायलॉग के साथ बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो जो दोस्तों बहुत ही यूनिक होने वाला है। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और उसे कैसे कैसे क्रिएट करना उस वीडियो को जो आपको हम बिल्कुल दिखाने वाले हैं, बिल्कुल इजी स्टेप में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है गाइस, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे जरूर से कर लेना है। दोस्तों कैसे कैसे क्रिएट करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, उससे पहले आपको क्या करना है गाइस प्रीव्यू देखना है। तो प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। वैसे तर्ज कौनो पुरान ना होले, जितना पुरान होले उतना लचकदार हो। आज का प्रीव्यू स्टेटस जो दोस्तों डुअल सॉन्ग और डायलॉग के साथ विराय स्टाइल में बनाया गया था। दोस्तों तो आप लोग को कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कैसे कैसे क्रिएट करना स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। इस प्रकार के स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलर्ट मोशन, या आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे कैसे क्रिएट करना है बिल्कुल आसान स्टेप में आपको बताने वाले हैं। तो चलते मोबाइल की सिंपल लेट्स सो गाइस अपने अलर्ट मोशन को ओपन कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मेटल देखने को मिल जाएगा, सॉन्ग बीट मार्क का प्रीसेट एंड एक्सएमएल फाइल, उसे आपको डाउनलोड कर इसमें इंपोर्ट करना है। अगर आपको मेटल को डाउनलोड करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो उसके नीचे आपको हाउ टू डाउनलोड नाम का एक लिंक देखने मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कैसे आप हमारी मेटल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क देखने मिल जाएगा और यहाँ पर आपको न्यू सेक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका जो सॉन्ग बीट मार्क इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो गाइस इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस कैसे कौन सा फोटो कहाँ पर लगने वाला है और क्या क्या आपको करना है सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको नाम पर देखने मिलेगा इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, फोटो अटैच कर लेना है और यहाँ पर थ्रेड पर क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन करना है, बच्चों को आपको इस प्रकार से कट कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर सेकंड कोई फोटो अटैच कर लेना है, थ्रेड पर क्लिक करके फुल स्क्रीन इस प्रकार से करना है और बच्चों को इस प्रकार से कट कर देना है। सिंपल यहाँ पर आपको एक और जो बीट देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको फोटो अटैच कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस इसको फुल स्क्रीन करना है, बच्चों को इस प्रकार से कट कर देना है। गाइस इस पर इफेक्ट लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गाइस बैक करके आपको अपने सेक इफेक्ट में चले जाना है। गाइस यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो पहला इफेक्ट आपको शो हो रहा है सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और आपको थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। गाइस बैक करके आपको आ जाना अपने जो आपका बीट मार्क इस पर आपको आ जाना है और यहाँ पर जो आपका फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, सिंपली इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। एंड गाइस इफेक्ट को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देने के बाद अब आपको थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद गाइस आपको इस जो आपको दिख रहा है दोनों बीट मार्क आपको बैक करके सेक इफेक्ट में आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेकेंड नंबर पे वाला इफेक्ट, ओके। तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे, थर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से कर लेंगे और गाइस बैक करके आपको आ जाना है अगेन आपको अपने बीट मार्क में, ठीक है। सो गाइस आपको अपने बीट मार्क ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे बीट दिख रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके सिंपली आपको इस इफेक्ट गाइस इतना आपको करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है तो आपको किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको बैकग्राउंड में और ऊपर में आपको किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाए तो आपके अंदर अपना फोटो ऐड करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको होम पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको इस प्रकार से बहुत सारे साइज देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर जो आपको देखना 9:16 का रेजोल्यूशन इस पर क्लिक करना है, कैड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको मीडिया पर चले जाना है और यहाँ पर आपको जो भी फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, सिंपली आपका जो फोटो का साइज का फ्रेम रहने वाला है कुछ प्रकार से साइज रहने वाला है तो आपको मोबाइल टास्क पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके इसको जूम करना है। कम से कम आपको 10 से 15 फोटो किस प्रकार से आपको क्रिएट करना है। सेटिंग बार में बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर देख रहे आपको करंट फ्रेम पीएनजी पर क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट करना है, गैलरी में कम से कम 10 से 15 फोटो को आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करके फिर आपको बैक कर लेना है इजिली। गाइस बैक करने के बाद आप फिर से आपको चले जाना है बीट मार्क, यहाँ पर जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे इसको आपको इसको डिलीट कर देना है कुछ प्रकार से और आपका जो बीट मार्क इसको आपको ओपन कर लेना है।
गैस ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर गैस जो ब्लू कलर का पहले मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है आपको कलर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिल जाता है, कोई भी फोटो आप लगा सकते हैं। सब फोटो आपको मैं टेलीग्राम से भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गैस हम फोटो पर क्लिक करते हैं, प्लस पर क्लिक करके फोटो किस प्रकार से ऐड कर दे, इसके बैकग्राउंड में कुछ फोटो ऐड हो गया। ठीक है, अब गैस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है गैस, यहाँ पर आपको जो ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ तक जाना है जहाँ तक ये मार्क, ठीक है, यानी कि यहाँ तक ये मार्क है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है एंड पोजिशन में और जो ये वाला पार्ट है आपको टाइमर पे क्लिक करके इस प्रकार से इसको बढ़ा देना है। कुछ प्रकार से टाइमर के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब गैस ये बढ़ जाएगा, तो इतना आपको बढ़ जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा गैस, यहाँ पर आपको जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करना है। सीधी भी आपको कॉपी पे ऐड कर लेना है और यहाँ पर आपको जो एरो दिख रहा है एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आप लेयर पे क्लिक करके सिंपली इसको पेस्ट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा फिर आपका जो नेक्स्ट बिट है यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी इस प्रकार से आपको आ जाएगा। इस यहाँ पर भी आपको लेयर पे क्लिक करके कुछ प्रकार से आपको पेस्ट करते जाना है। ठीक है गाइस, आपको फिर नेक्स्ट बिट पर क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको पेस्ट करते जाना है। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको भी सिंपली कुछ इसी प्रकार से आपको पेस्ट कर लेना है गाइस, जहाँ तक आपका इसका एंड पोजिशन आएगा, जहाँ तक ये इफेक्ट है सिंपली आपको वहाँ तक आपको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो एंड पोजीशन है कुछ इस प्रकार से गाइस आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस हमारा जो एंड पोजीशन है वो आ गया। अब गाइस यहाँ तक ये कॉपी पेस्ट हो गया, अब गाइस इसके अंदर आपको अपना फोटो ऐड करना है। तो गाइस अपना फोटो आपको ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर का ब्लू कलर का मार्क इस पर आपको क्लिक करना है, कल्फ पर क्लिक करना है, स्टार्ट में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कोई फोटो आप अटैच कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस हम इस फोटो को इस प्रकार से ले लेते हैं, उस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको आगे जाना है एंड गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर भी जितने आपको ब्लू कलर के मार्क दिखेंगे आप कॉपी किए रहेंगे, सिंपली इसके अंदर आपको अपना फोटो अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम इस फोटो को भी अटैच कर लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे और स्टार्ट में क्लिक कर देना है और सिंपली आपको जितने फोटो आपको देखने को मिले आपको सब फोटो यहाँ पर आपको अटैच कर लेना है जैसे जैसे बारी बारी। ठीक है, तो गाइस इतना आपका हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जितने ब्लू कलर के मार्क दिख रहे हैं सभी पर आपको करना है। तो लास्ट टाइम आपको दिखा देते हैं, जो लास्ट वाला हमारा है गाइस कुछ इस प्रकार से है, तो इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करना है और स्टॉप में आइकन पे क्लिक करके सिंपली आपको कोई फोटो इस प्रकार से अटैच कर लेना होगा। एंड गाइस नेक्स्ट बीट पर आपको किस प्रकार से आना है और गाइस यहाँ पर आपको एक फोटो अटैच करना है तो मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर गाइस कोई भी साइज का बाउंडेशन नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी फोटो आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर कोई जो है साइज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर गाइस बहुत सारे फोटो आपको देखने को मिल जाता है, तो आप कोई फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इस फोटो को लगा लेता हूँ और थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से और गाइस जो हमारा नेक्स्ट बीट है यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिला देना है। एंड गाइस ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी आपको इफेक्ट लगाना, तो बैक करके अपने सेक इफेक्ट में आ जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट हो गया हमारा, दूसरा भी हो गया और यहाँ पर जो थर्ड इफेक्ट है इसको क्लिक करेंगे, थर्ड पे क्लियर कॉपी इफेक्ट इजिली कर लेंगे और आपका जो बीट मार्क है इसको इजिली आपको ओपन करना है। इसलिए ओपन करने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद गाइस जो आप यहाँ पर देख सकते टाइमर है 7:28, यहाँ पर गाइस हमने डबल बीट रखा है, जहाँ जहाँ डबल बीट होगा वहाँ से आपका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कौन सा इफेक्ट लगेगा ये भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोटो पर क्लिक करना है, इस प्रकार से इफेक्ट को इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। तो गाइस हमारा ये वाला इफेक्ट लग जाएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आना है एंड यहाँ पर एक बार प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आप कोई फोटो अटैच करना है कुछ इस प्रकार से गाइस, थर्ड पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको अटैच कर लेना है। आप गाइस यहाँ से कौन सा इफेक्ट कहाँ तक लगेगा, सबसे पहले गाइस बैक करते हैं और आप सही इफेक्ट में आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1, 2, 3, ये जो चौथा वाला इफेक्ट है आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली और आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। गाइस आपका जो बीट मार्क है इसको ओपन कर देना है। सो गाइस ओपन करने के बाद आपको जहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमारा जो ये वाला इफेक्ट के बाद ये भी इफेक्ट हम लगा लिए हैं, फिर आपको आगे आना है तो यहाँ पर आपको डबल बीट शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो जब कॉपी किया तो सिंपली इसको इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। इससे हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से ये पेस्ट हो गया। आप गाइस यहाँ से ले करके आपको आगे जाना, जो आपका नेक्स्ट बीट आएगा यानी जो आपका ये डबल बीट नेक्स्ट आ रहा है यहाँ तक आपको फोटो अटैच करना है। जो भी आप अटैच करेंगे इसके अंदर जो भी फोटो आप अटैच करेंगे ये वाला इफेक्ट लगेगा जो हमने अभी इफेक्ट को कॉपी किया था। तो सिंपली गाइस इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर दें कुछ इस प्रकार से एंड नेक्स्ट बीट पर आना है। फिर आपको इस मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोई फोटो आप अटैच कर सकते हैं, तो थर्ड पे क्लिक करके सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है और बचे हुए भाग को कुछ इस प्रकार से कट कर देना है। आप गाइस यहाँ से ले करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ले करके आपको जो बीच में सब जो आपको बीट दिख रहा है यहाँ पर आपका फोटो चेंज हो जाता है। तो वो कौन सा होगा मैं आपको भी बता देता हूँ। तो बैक करके अपने सेकंड फ्रेम में चले जाना है। गाइस यहाँ पर आपको जाने के बाद हम ये लगा लेंगे और सेकंड भी लग गया, थर्ड भी लग गया, फोर्थ भी लग गया और यहाँ पर जो हमारा 5 तला इफेक्ट स्टार्ट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको क्लिक करना है सिंपली इस प्रकार से, थर्ड पर क्लियर
कॉपी फेड कर लीजिएगा और आपका जो बीट मार्क है कुछ इस प्रकार से आपको ओपन कर लेना है। एंड गाइस बीट मार्क ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा गाइस आगे जाना है। इसी फेड के बाद आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमारा ये फेड भी लग गया है और आगे जाने के बाद गाइस ये वाला फेड भी आपको लगा देने के बाद फिर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ प्रकार से फोटो, यानी कि जो आपका डबल बीट स्टार्ट होता है यहाँ पर इस प्रकार से फोटो पर क्लिक कर लेंगे और इस इफेक्ट को यहाँ पर हम लगा देंगे गाइस। अब ये इफेक्ट हमारा कहाँ तक लगेगा तो बीच में यहाँ से लेकर के आपका जो नेक्स्ट डबल बीट आएगा यानी कि यहाँ तक, ठीक है, जो ये नेक्स्ट बीट के पहले जो आपका फोटो आ रहा है कुछ इस प्रकार से आपको फोटो को अटैच करना है। तो गाइस यहाँ पर आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। अब यहाँ पर फोटो भी अटैच करके आप इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो गाइस आपका कुछ इस प्रकार से ये इफेक्ट पेस्ट हो जाता है। फिर आपको आगे जाना है, इस प्रकार से क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है, आप जो भी फोटो आप लगाएंगे। अब गाइस यहाँ पर इस इफेक्ट के बाद कौन सा लगेगा आपको याद रखना होगा, तो बैक करके अपने सेक इफेक्ट में जाना है। आप सेक इफेक्ट में देख सकते हैं हमने ये इफेक्ट लगा लिया, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया और गाइस ये भी लगा लिया और ये भी लगा लिया। फिर आगे आपका आता है ये वाला इफेक्ट, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और आपका जो बीट मार्क इसको इजिली हम ओपन कर लेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आगे जाने के बाद इसे ये सब वगैरह सब लगा देने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर गाइस ये भी इफेक्ट हम लगा लिए। फिर आगे जाने के बाद आपका जो डबल बीट स्टार्ट होता है कुछ प्रकार से, यानी कि इस इफेक्ट के बाद जो आपका एंड डबल बीट स्टार्ट होता है यहाँ पर इस पर क्लिक करना, सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। गैस इतना करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बीट पर आना और प्लस मीडिया पर जाना और यहाँ पर आपको फोटो पे क्लिक करके सिंपली इसको जो है फुल स्क्रीन कुछ इस प्रकार से करना है, बच्चों को इस प्रकार से कट कर देना है। वैसे इस इफेक्ट के बाद जो हमारा ये इफेक्ट आप ऐड किए थे इसके पहले इसी को हम कॉपी कर लेंगे और जब का नेक्स्ट बीट है इस प्रकार से हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो गैस ये हमारा हो जाएगा। इतना होने के बाद गैस अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बीट पर आना है और यहाँ पर आप 27 सेकेंड से हमारा स्टार्ट हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन इस प्रकार से कर देना है। एंड गैस फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से लेकर के लास्ट में जितने आपको बीट दिख रहे हैं पर आपको फोटो को अटैच करना है। अब इस पर इफेक्ट कौन सा लगेगा तो लास्ट में आपको चले जाना है सेक इफेक्ट में ना, जो लास्ट में आपका ये दो इफेक्ट आपको देख रहे हैं, इस दोनों में से आप कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला इफेक्ट को लेते हैं और इसको इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं और गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको जो बीट मार्क है सिंपली आपको इसको ओपन कर देना है। सिंपली इसको ओपन करने के बाद जो लास्ट में आपका छोटा छोटा बीट स्टार्ट होता है यानी कि इस इफेक्ट के बाद जो हमारा बीट स्टार्ट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्रकार 27-29 सेकेंड है, इस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये इफेक्ट हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब गाइस हमारे जो वीडियो वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग के बगल में बॉक्स पर क्लिक करना होगा, इसको एक्सपोर्ट कर अपने गैलरी में बहुत आसानी से सेव कर लेना होगा।